अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत ज़बरदस्त सा पास्ता सिखा रही हूँ मैं आपको। एक बार आप बनाएंगे तो सब खाते रह जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने ली है और इनको क्यूब्स की शक्ल में ऐसे काट लिए। चिकन क्यूब्स की शक्ल में आप देख रहे हैं। शिमला मिर्च ली है, आपकी मर्जी एक ले दो ले। गाजर, गाजर मैं एक यूज़ करूँगी, आपकी मर्जी आप एक ले दो ले। मटर एक प्याली ली है मैंने। हरी मिर्ची और हरी प्याज एक। पास्ता अपनी मर्जी की शक्ल का कोई भी ले, नूडल्स ले, मैक्रोनी ले, पास्ता ले, कुछ भी ले, अपने दो तीन फेवरेट ले, शेप जो भी आपको पसंद है। दही ली है मैंने थोड़ी सी, सिरका, सिरका जाएगा इसमें और सोया जाएगा, सोया सॉस, सिरका सॉस, चिली सॉस, तीनों चीज़ें यूज होंगी। अजीनोमोटो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आपकी मर्जी आप करें ना करें। पहले मैं चिकन में हम डालेंगे दही करने के लिए, डाल दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 1 चम्मच मैंने डाला, मिक्स किया मैरिनेट करने के लिए, साइड पे रखेंगे। अभी हम वेजिटेबल काट लेंगे। शेप आप कोई भी दें, अपनी मर्जी की दें, लंबी दें, छोटी दें, कचूमर दें, जो आपको पसंद है। और बच्चे खुश होके खाते हैं, जो आपकी फैमिली में खुश होके खाए जाते हैं वैसे आप शेप दे दें, इसका कोई इश्यू नहीं है। एक हंडी का दिया पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है 2 टेबलस्पून, सॉल्ट नमक डाला है इसको और नमक डाल दिया है मैंने हसबे जायका। इसमें मैंने पास्ता डाल दिया दो अलग अलग शेप का, ये देखिए ये बॉईल हो रहा है और इसको पारा से एक कनी रह जाए पास्ता, इसको हम इसके पानी को निकाल लेंगे छलनी में, जैसे चावल बॉईल करते हुए करते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा जो है वो इसमें थोड़ा सा सूखा कर देंगे, बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है। चिकन डालेंगे मैरिनेट किया हुआ, जिसमें हमने ऐड किया था सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट और दही, इसको थोड़ा सा सूखा करेंगे, भूनेंगे। ठीक है, अच्छे से जब ये सूखा हो जाए आप देखेंगे क्या करते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, इसलिए कि आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएगी। मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ अभी, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें या 2 टेबलस्पून ऐड कर लें। मुझे स्पाइसी पसंद है, मैं 4 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। सोया सॉस भी एक ही क्वांटिटी इन तीनों चीज़ों की रखेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। सोया सॉस था, इसको अच्छे से हम कुक करेंगे। दही हमने लगा के जो चिकन को रख लिया था उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा चिकन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, अच्छा चिकन पकेगा और जल्दी कुक हो जाएगा। इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, रेड चिली, दादर मिर्ची जो होती है वो डाल दें, अगर वो नहीं है गोल है तो उसको पीस के डाल दें, कोई इशू नहीं है। 1 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी, इन दोनों को डाला है मैंने, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कीजिएगा कम ज़्यादा। सॉल्ट ऐड कर दिया। मेरी कोशिश है मैं आपको पूरी रेसिपी अच्छे से सिखा दूँ, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही है। सूरी की गाजर ऐड कर दी मैंने, इसलिए कि ये चिकन के साथ ही थोड़ी सी गल जाए, ये थोड़ी सी सख्त होती है ना बाकी वेजिटेबल की नस्बत, इसको टाइम लगता है। ये मैंने बॉईल कर लिया मटर को, मैंने अलग से बॉईल कर लिया है,
इसलिए कि वो बहुत इजी है कुक करने में, मुझे आसानी हो जाए। जितनी देर में बाकी चीज़ें कटिंग हो रही थी, मैंने एक अलग से इसको बॉयल कर लिया मटर को। आप इसमें आप हंसपे जायका केचप ऐड करें, कम करें, ज़्यादा करें, अपने टेस्ट के मुताबिक करें। मैंने तकरीबन आधा कप डाला है इसमें। कुछ देर कुक करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसको थोड़ी देर ढाक दो से तीन मिनट इसको मैं ढाक अच्छे से अंदर से गल जाए चिकन कैरेट दोनों। इसमें हम पास्ता डालेंगे। आप किसी भी शक्ल का लें, बॉयल कर लिया मैंने, पानी छान लिया। अब इसमें मिक्स कर रही हूँ शिमला मिर्च और ग्रीन चिली। अब इसमें मैं लास्ट में हरी प्याज और शिमला मिर्च ऐड किया मैंने, क्योंकि इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी सी चिल्ली मैंने और ऐड कर ली। इसको अच्छे से मिक्स करें, सारा सॉस इसको लग जाए। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लें। अगर आपको पसंद आई है रेसिपी तो, और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड, इसमें हम थोड़ी सी मायोनीज़ भी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो लास्ट में चीज़ भी कद्दूकश करके, मोज़रेला या चेडर चीज़ जो आपकी फेवरेट है, इसको चूल्हा बंद करके उसमें डाल के थोड़ी देर ढक्कन रख के, बहुत यम्मी टेस्ट आएगा। मैं आपको आइडियाज़ दे सकती हूँ, टेस्ट आपका अपना होगा। और ये बच्चे और बच्चियाँ सब बहुत इजी बना सकते हैं, और आजकल की फेवरेट डिश है। इसको थोड़ी देर ढाक देंगे, दम देंगे, हम दम देंगे। दम हमारा हो गया है दोस्तों, 5 मिनट हो गए, मिक्स किया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्मोकी स्मोकी मज़ेदार यम्मी। इसके साथ कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए कोई भी ब्रांड की। जी तो दोस्तों, ये देखिए अब मैं जा रही हूँ तैयार है, और मैं खाने इश करने, मज़े करने, और आप चाय बनाने। ठीक है, एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।